शांति। आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्म के लिए तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चों को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी, टीचर अगर कहाँ चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली नहीं चलाना सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मुंजना नहीं चाहिए। देखो बाबा कितना समझाता है, ब्राह्मणी बिगर मुंजना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। और गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। स्वयं का टीचर स्वयं बन सकता है, उतना दूसरा कोई नहीं बन सकता। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और यह निश्चय करो कि बाप परमात्मा हमको सुना रहा है, हमें पढ़ाता कौन है? बाबा कहता, यह डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं। उनके ही श्रीमत कहा जाता, श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप। जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है, भले शिव की भक्ति करते, बहुत प्यार से याद करते, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है। महिमा भी की और नीचे की ओर भी लाए कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? अपनापन तो खत्म हो गया, तो वह लव किसके साथ रखे? इसीलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता तो बाबा कहता, प्रीत देखते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। सारे सहारे टूटते तो अंत में भगवान को ही कहते कि रक्षा करो। बच्चे जानते हैं, गीता ही श्रीमत भगवान के मुख से गायी हुई है, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो। वह श्रीमद् दी हो, एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। अपने कर्म इंद्रियों का स्वामी बनने का ज्ञान सिर्फ एकमात्र गीता में है। तो बाबा कहता, एक गीता ही भगवान की गायी हुई है। भगवान कहने से एक निराकार के तरफ ही बुद्धि जाती, अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना, जन्म मृत्यु में आया है ना, बाबा कहता देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है, अब वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वह नशा चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। नशा भी अप डाउन वाला होता है ना, तो बाबा कहता नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़ा और ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। हमारे टीचर कोई ब्राह्मणी थोड़ी है। बाबा कहता बस
ब्राह्मण ही बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मण ही निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है ना। शुरू शुरू में कमी थी ना सेवाओं में बहनों की, तो बाबा कहता, बाबा समझाते, कोई तो ब्राह्मणी आगर जैसे अंधे लूली है, लूली हो जाती, ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। और बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते, गुरु बाहर चला जाता तो चेला पिछाड़ी में संभालता है ना। बाबा समझाते थे कि इतना मजबूत बनाया, जो तुम गई तो वो भी गए। बाबा कहता, नहीं, बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, बच्चे इतने वर्ष सीखे, कुछ तो धारणा हुई होगी ना। दादियाँ मजबूत थी तो स्टूडेंट देखो कैसे मजबूत निकले। आज भी हमारे पास हापुड़ में उदाहरण माताएं हैं, 50 के आगे खड़ी कर लो तो स्पष्ट दिखाई देता है कि किसी अच्छे संस्था से बिलोंग करती है। तब बाबा कहता, कुछ तो धारणा की होगी ना, जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर मुरलियाँ तो मिलती ही है, अब तो वो भी समय चला गया। पॉइंट्स के आधार पर समझाते, सुनाने की आदत पड़े फिर सुनने की आदत नहीं पड़ती, याद में रहे तो धारणा भी अच्छी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होना चाहिए जो कहा अच्छी ब्राह्मणी जाती, हम सेंटर को संभालते हैं। अच्छा ब्राह्मणी कहाँ जाती तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छा, सेंटर पर भेजा सर्विस के लिए। बाबा तो जाने जाननहार था न, और अपनी दादी बताते, सिकंदराबाद में आते आके ही बोले, मैं खड़ी हो गई, अमृतसर से सिकंदराबाद आई, और खड़े होते ही बाबा ने कहा, बच्ची हपड़ जाओ, बोले ना हाथ धोए ना पैर धोए, वैसे ही ओम शांति करके। बहन ने कहा, ऋषि तू टोली तो खा के जा भाई, वहाँ भी दादी रहते थे। तो दादी ने कहा कि तू दे दे, मैं अपने हिसाब से खाऊंगी। बाबा की आज्ञा माना शिरोमणि, आज किसी को कह दे बर तू वहाँ चली जा, 50 बातें दिमाग में आएगी। क्यों दादी पीछे हटी या आगे गई? सभी दादियों के संग ऐसा ही था। बाबा ने कहा वहाँ जा, और उसने आप उनके पास सामान तो कुछ होता नहीं, एक जोड़ी पैर नहीं और एक जोड़ी झोले में, चल भाई आगे को, क्या वैराग। आज वैराग ही छिप गया है, और वैराग बिना मैं नहीं मानती साधना हो ही नहीं सकती, साधना का मूल आधार है वैराग। तब बाबा कहता, बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा सर्विस के लिए, ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसा नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसी बनाएंगे? मुरली तो सभी को मिलती है, बच्चों को खुशी होना चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाए, प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। दादियों ने कितनी डिग्री ली थी, डिग्री वाली तो 2-4 ही दादियाँ थी, पर कोई कहता था हमारी दादी की इंग्लिश इतनी मजबूत थी, जो ये एम ए बी ए वाली बहनें भी उनके आगे फेल, खड़ा खड़ इंग्लिश में बोलते, और केवल वो 6 क्लास पढ़े थे, 7वीं में तो गए भी नहीं थे। तब बाबा कहता, क्योंकि बाबा ने काम दिया तो उनके अंदर वो विशेषता, वो गुण, वो कला भी भर डाली। त
तब बाबा कहता, बाबा पूछता है, सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकालता, सर्विस के लिए छुट्टी ले जाना लेना चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहाँ पर छुट्टी लेकर जाना चाहिए ना। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट को तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। यह गवर्नमेंट तनख्वाह देती और बाबा की तनख्वाह कितनी ऊंची है, बहुत कमाई है। भगवान पढ़ाता है जिससे तुम एक ही जन्म के लिए वैकुंठ के मालिक बनते हो, कितनी भारी कमाई है। बाबा कहते हिसाब करो कितनी भारी कमाई है। उस कमाई से क्या मिलेगा अल्पकाल का सुख, यह तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इस सर्विस में लग जाए, परंतु पूरा नशा चाहिए देखना है। हम किसी को समझा सकते हैं, हाँ है बहुत सहज। बाबा कहता बच्चा हिम्मत करे तो है बहुत सहज। कलयुग के अंत में इतने करोड़ मनुष्य है और सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएगा। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखाए, राजा वो का राजा बनाता है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराता है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। मेन किस पर बात आई, पहले तो अपना देह ना। और ऐसे भी देखो सबसे ज़्यादा कष्ट तो इस देह ने दे, कोई दे या न दे, और फिर इसके अंदर जो आत्मा के अंदर अवगुण भरे अवगुणों ने दिए, तो हमारे दुखों का कारण जड़ तो हम स्वयं रहे ना। तब बाबा कहता मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। कितनी बड़ी गारंटी है बाबा की कि जन्म जन्मांतर जाने अनजाने में जो किया वो पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यह मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानता, खाली योग योग करते पर एक भी मनुष्य नहीं जानता। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति और वैराग, वैराग भी दो प्रकार का होता, एक हद का एक बेहद का। बाबा कहता एक है हद का वैराग और दूसरा है यह बेहद का वैराग। अब तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। पक्का कराया बाबा ने, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन बने हो ना। विकारी दृष्टि जान सके, आजकल तो सभी की दृष्टि क्रिमल हो गई ना, चश्मे का रंग ही बदल गया। तब बाबा कहता सभी की दृष्टि क्रिमिनल हो गई ना। तमो प्रधान है, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी थोड़ी समझते, स्वयं को ही पता नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यही है। जो सुखी है वो स्वर्ग में और जो तंग है वो नर्क में है। बाबा कहता ऐसा नहीं, जिसका मन में जो आया वह कह दिया यह कोई स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में तो किंगडम थी। बाबा कहता रिलीजियस मनुष्य थे, कहते भी है ना धर्म में ताकत थी। जहाँ धर्म था, धारणाएं थी, तो उसमें कितनी ताकत भरी बाबा ने।
बाबा कहता कितना बल था, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व का मालिक बन जाएंगे, यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता वह तुमको पढ़ाता है बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है, तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी क्या कराती है? बाबा कहता ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान कराती है। तुम्हारी सारी मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती, यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, ऐसी आदत पुरानी पड़ी हुई है जिस कारण डिसर्विस भी होती है। समझ की कमी लगती है ना? नालेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, उनसे पूछा जाता वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी तो कहती यह बहुत अच्छी है। बाबा अब हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। कईयों को बाबा ने कहा तुम पढ़ लो और कईयों को कहा छोड़ दो, बहुत हो गया। क्यों? कि बाबा को बाबा जानता था कि भविष्य में यह आत्मा आगे क्या कर सकती है। तभी तो देखो सभी में से ब्रह्मा को ही भाग्य विधाता कहा गया, भाग्य निर्माता कहा गया, भाग्य की रेखा बनाने वाला कहा गया। क्यों? शिव बाबा तो जानता पर ब्रह्मा बाबा भी जानी जानन हार थे। तब बाबा कहता लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे, फिर कोई बच्चिया कमजोर भी होती है, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे, यह पढ़ाई तो भविष्य एक ही जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती, तो प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है ना, अब सब है नर्कवासी, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए भारत जैसे जिसे सोने की चिड़िया कहते, अभी तो ठिकर की भी नहीं है। कहाँ वो सोने की चिड़िया, और बाबा कहता आज वो ठिकर की भी नहीं, भारत ही 100% साल्वेंट था, अब 100% इनसाल्वेंट बना है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं, तो है तो मनुष्य परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक है। मैंने कहा ना देख लो दर्पण में हम कहाँ तक लायक है। नारद का मिसाल भी है ना, दिन प्रतिदिन गिरते जाते, गिरते गिरते एकदम बदबू में गले तक फंस पड़ते। अब तुम ब्राह्मण ही बदबू से निकालने के लिए, बाबा कहता चोटी से पकड़ना होता, बदबू में ऐसे फंस जाते हैं जो बात मत पूछो, निकलने से भी निकलने को तैयार नहीं है। भक्ति का राज्य है ना, अब तुम कहते बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण का मंदिर भले बनाते रहते परंतु उनको यह पता नहीं कि विश्व का मालिक कैसे बने, कुछ तो किया है वो कैसे बने। अब तुम कितने समझदार बने हो तुम जानते हो, इन्हें राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए, बिरला कितने मंदिर बनाता,
जैसे गुड़िया बना लेते हैं वह छोटी छोटी गुड़िया, और यह फिर बड़ी गुड़िया बनाते। बच्चे छोटी छोटी गुड़िया बनाते और यह क्या है सब बड़ी बड़ी गुड़िया बनाते। चित्र बनाकर पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं, तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। इतना कुछ किया पर फिर भी बाबा कहते गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हो। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बने हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, आप ही सुख देते और आप ही दुख देते, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा निर्लेप है। कितनी मिस्टेक की कि आत्मा निर्लेप है। कुछ भी खाओ पियो मोज करो, शरीर को लेप छेप लगता वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। अगर यही होता तो बाबा इतनी मेहनत क्यों कराता। जो चाहिए वह खाओ, क्या क्या फैशन है बस, जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ा है। अब बाप समझाते विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को शीर सागर कहा जाता, यह है विषय सागर। विष जहर को कहा गया ना, तो बाबा कहता तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने, तभी तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्र पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरे 84 जन्म का कहानी है ना, इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। सब कुछ कह देता है कि पूरा पढ़ते नहीं, उन्नति नहीं करते हैं। हमारी उन्नति कोई दूसरा कर ले, दूसरा कोई आगे बिठा ले, ऐसे कभी होने वाला नहीं है। कर और पा, तभी भक्ति में कहा कि भगवान कृपा करो। बाबा कहता तू कर और तू पा, मैं तो कृपा करता हूँ। तब बाबा कहता तुम बच्चों का कर्तव्य है ब्रह्मरि के मिसल, कीड़े को भू भू कर आप समान बनाना है, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सांप के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो यह पुरानी सड़ा हुआ शरीर है, कितने रोग लगे पड़े इसे, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी, शरीर भी पुराना, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए, यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से, देखो बाबा कितना आगे करा रहा, सागर के एक ही लहर से सारा डेविल खत्म हो जाएगा। विनाश तो होना ही है, यह रव रव नरक है। नेचुरल क्लिमेटिज किसी को भी छोड़ती नहीं है। जिन्हें तत्व को बिगाड़ा है ऐसी आत्माओं को प्रकृति कभी छोड़ने वाली बकसने वाली नहीं है। मुझे याद आया जगदीश भाई हमेशा कहते जिन्हें तत्व की सेवा की तो लास्ट में तत्व भी उस आत्मा की सेवा करेंगे। उसे अगर देखो अग्नि का गुण है शुद्धता, हमारे अंदर अगर योग बल के शुद्धति आई है तो अग्नि भ्रमर को आग लगेगी पर हमें स्पर्श नहीं करेगी। शीत पानी का गुण है शीतलता, हमारे अंदर यदि वो गुण आया है तो पानी चरण स्पर्श करके पीछे की ओर मोड़ेगा न कि उस आत्मा को नुकसान देगा। वायु कितना तूफान आया, वायु हल्का होता है, और बाबा ने कहा तुम लाइट और माइट बन जाओ। ऐसी हल्की आत्माओं को वायु कभी उड़ा के नहीं ले जाएगा। अब बाबा कहता पृथ्वी का गुण है विशाल,
पृथ्वी विशाल है, हमने अपने हृदय को योग बल से विशाल बनाया तो भूकंप आदि भी हमारा बाल बाका करने वाले नहीं है, नहीं तो हमारे संग भी वही होना है जो संसार के संग होने जा रहा है। तब बाबा हमें इतना पक्का कराता कि नेचुरल क्लाइमेटेज किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज बाबा हमको पक्का करा रहे पहली पॉइंट। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदत है उसे छोड़, आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है, ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई को क्या छोड़ेंगे, पर समय सब कुछ कराएगा, पर हमारी लगन हमारा इंटरेस्ट क्या कहता है। बाबा कहते कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है, ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़े को आप समान बनाने की सेवा करनी है, इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, अल्माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा पर सार, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सुकर्मी राजाओं में सत्ता का फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं का डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। प्रकृति जीत और माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जुड़ाकर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथारत रीति यूज करो। अल्माइटी अथॉरिटी बाबा हमारे साथ है, इतना बल देता है। तब बाबा कहता किसी को भी अल्पकाल के राजाए सुकर्मी अल्माइटी पावर सत्ता के आधार पर कैसे क्या बना सकते, और आपका कनेक्शन है किससे? आज अपने हृदय को अच्छी तरह से पूछना कि हमारा कनेक्शन है किसको, जो सारे दुनिया का पालनहार है, सारे दुनिया का रचनाकार है, सारे दुनिया को देता है, वो मेरा अपना पिता है। जब इतना गहरा संबंध है तो प्राप्ति न हो, किसी को माला माल न बना दे, ये कभी नहीं होगा। और स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाई मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेंगे। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई ले लेंगे। पांचों तत्व पांचों विकार जन्मों के रहे हुए संस्कार आधा कल्प के लिए विदाई लेंगे। ये युग विदाई लेने वाले नहीं है, वो अच्छी तरीके से हमें टटोलेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ तक मजबूत बने। और जो वीक पॉइंट जो कमी हमारे अंदर भरी है वो उसके थ्रू ही हमारा दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उतना बलशाली बनना है जितना बाबा हमारे में बल भरना चाहता है। ओम शांति।